दोस्तों, गूगल अर्थ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है अपने आप में, इसलिए काफ़ी लोगों को शुरू शुरू में पहली बार जब वो एड्स रन करते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफें आती हैं और इतने सारे ऑप्शंस देके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट दोस्तों, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप अपना पहला गूगल एड्स बहुत ही आसानी से चला पाएंगे एकदम प्रो स्टाइल में। दोस्तों, ये बेस्ट सेलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जीतने के लिए आपको केवल 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1, आपको कमेंट में लिखना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं। स्टेप 2, आपको अपनी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। और स्टेप 3, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अपने स्क्रीनशॉट को भेजना है। दोस्तों, हर महीने के एंड में 5 लकी विनर्स अनाउंस होंगे जिनके नाम मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल दिया करूंगा। दोस्तों, ये जो ऑफर है ये 2021 दिसंबर तक लागू रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ गूगल एड्स के कुछ पावरफुल स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 86% ऑफ कंज्यूमर्स यूज द इंटरनेट टू फाइंड अ लोकल बिजनेस, यानी कि 86% से ज़्यादा कंज्यूमर ऐसे हैं जो लोकल बिजनेस फाइंड करने के लिए गूगल सर्च का यूज़ करते हैं। 72% ऑफ कंज्यूमर्स प्रीफर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन लोकल मर्चेंट वाया सर्च। 72% लोग जो हैं लोकल मर्चेंट ढूंढने के लिए भी गूगल सर्च का यूज करते हैं। दोस्तों, गूगल एड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल ओन 70% ऑफ द सर्च मार्केट शेयर, मतलब सर्च का मार्केट जितना बड़ा है उसमें से 70% शेयर जो है वो गूगल एड्स का खुद का है। गूगल ओन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, यानी कि दोस्तों, अगर आपको डिस्प्ले एड, यानी कि आपने देखा होगा कि इमेज एड अगर चलती है आपकी एप्लीकेशन पे, आपके मोबाइल पे या आपके यूट्यूब में, आपने कभी कोई इमेज एड का देखा हो या किसी वेबसाइट पे जो आप इमेज एड देखते हैं जिसे हम डिस्प्ले एड कहते हैं, दोस्तों गूगल का दुनिया का सबसे बड़ा शेयर है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में। यानी कि अगर आप गूगल पे दे रहे हैं तो आप दुनिया में लगभग हर जगह अपना डिस्प्ले का एड दे सकते हैं, अपना बैनर एड दे सकते हैं। दोस्तों, गूगल का 97% जो रेवेन्यू है, जो शेयर है, जो प्रॉफिट है, वो आपका गूगल की एडवर्टाइजिंग से आता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर इतना ज़्यादा वो कमा रहा है, इसका मतलब लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। जब भी वो कमा रहा है क्योंकि लोग उस पर बार बार पैसा लगा रहे हैं, बार बार एड्स चला रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो लोग भी पैसा नहीं लगाते और गूगल भी इतना ज़्यादा नहीं कमाता। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि गूगल एड्स पे एड चलाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करते हैं, लेकिन सेटअप करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ताकि आपको आगे आसानी से समझ में आ सके जो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गूगल एड्स में सबसे पहले होता है गूगल एड्स का अकाउंट, ठीक है। उस अकाउंट के अंदर दोस्तों आप जो है कैंपेन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपकी जो है कपड़े की दुकान है, तो और कपड़े की दुकान में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे मेंस वियर, वुमेंस वियर, ओके। तो जो मेंस वियर के जो ऐड होंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, वुमेंस वियर के जो ऐड होंगे वो अलग टाइप के होंगे, तो उन दोनों की अलग अलग कैंपेन सेट होगी, ठीक है। इसलिए उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अकाउंट के अंदर कैंपेन्स क्रिएट की जाती हैं जिसका भी आपको ऐड चलाना है। दोस्तों, कैंपेन्स के अंदर ऐड ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। एड ग्रुप्स होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप में मेंस वियर है, मेंस वियर का अगर आप कैंपेन चला रहे हैं, पर उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती हैं। एक यंग पीपल जो होते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, उनके कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, और उसी तरीके से जो 40-35 के ऊपर के जो लोग रहते हैं उनको आप अलग टाइप के ऐड दिखाएंगे, उनको अलग टाइप के कपड़ों के ऐड दिखाएंगे। तो ये जो एज डिफरेंस आपको करना है, अगर आपको इंटरेस्ट डिफरेंस करना, तो ये सारे डिफरेंसेस रखने के लिए आपको अलग अलग एड ग्रुप बनाने पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एड ग्रुप का जो है एक अपना एक ऐड हो सकता है। और दोस्तों, ऐसा रिकमेंडेड होता है कि हर एड ग्रुप के लिए आपको एटलीस्ट 3 एड्स बनाने चाहिए। 3 एड अगर आप गूगल को बना के देते हैं तो गूगल को ज्यादा पॉसिबिलिटी मिलती है अलग अलग टेस्टिंग करने की, और वो उसमें से छांट के जो बेस्ट एड परफॉर्म कर रहा है वो वाला एड लोगों को दिखा पाता है। अब दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है, वो है कीवर्ड्स। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एड ग्रुप का एक अपना कीवर्ड का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो अकाउंट है वो किसका कंपनी का है, पेस्ट कंट्रोल कंपनी का, यानी कि ये कीड़े मारने की दवाई बनाती है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दो कैंपेन चलाई हैं, एक बर्ड्स के लिए चलाई है और एक रोडेंट्स के लिए चलाई है, ठीक है। हम बर्ड्स वाली कैंपेन को कंसिडर करते हैं, उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती हैं, पिजन्स वाली और हॉक्स वाली, ठीक है। अब पिजन्स के जो पेस्ट कंट्रोल की कंपनी को जो ऐड चलाने हैं, तो ये जो पिजन्स वाला ऐड ग्रुप है इसमें अलग टाइप के कीवर्ड्स रहेंगे, और जो हॉक्स वाला ऐड ग्रुप है उसमें अलग टाइप के कीवर्ड्स रहेंगे। दोस्तों, कीवर्ड का रोल मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा कि कीवर्ड यानी कि वो वर्ड या वो सेंटेंस जो सामने वाला गूगल पे लिखेगा तो उसको आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो आपको ये चुनना है कि सामने वाला क्या लिखे कि जब मेरा ऐड दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं अपना सेल करता हूँ, तो सामने वाला अगर लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तभी मेरा ऐड दिखाया जाए। अगर सामने वाला लिखता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं अपना ऐड उसको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है,
कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको चूज़ करना है कि किस चीज़ पे आपका ऐड दिखाया जाए, किस चीज़ पे आपका ऐड नहीं दिखाया जाए, यानी कि किस सर्च पे। तो जो सर्च में हो, सर्च जो भी करता है तो वो कुछ वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम चूज़ करते हैं कि किस पे हमें अपना ऐड दिखाना है, वो कहलाता है कीवर्ड्स। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको एक और स्टेप अहेड समझाना चाहूँगा कि आपने अभी समझ लिया कि अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स होते हैं और ऐड ग्रुप्स जो है अपने अपने कीवर्ड्स के साथ चलते हैं। लेकिन जब आपके ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करके कहाँ पहुँचेगा? आपकी वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट का जो है एक प्रॉपर लैंडिंग पेज होना चाहिए और वो जो लैंडिंग पेज है वो उस ऐड के सिमिलर होना चाहिए, यानी कि जो कीवर्ड्स आपने चूज़ किए थे किसी पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए, वो लैंडिंग पेज पे भी उसी प्रकार के कीवर्ड्स का यूज़ हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सामने वाले ने जैसे सर्च किया, मान लीजिए किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको ऐड दिखाया गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसने क्लिक किया और क्लिक करके वो वेबसाइट पे जाता है और वहाँ पे लिखा है पहली चीज़ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो दोस्तों वो ये नहीं ढूंढ रहा था, वो डायरेक्ट कोर्स ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे जो आपका लैंडिंग पेज है वो सिमिलर होना चाहिए, वो कीवर्ड्स के हिसाब से वो सिमिलर होना चाहिए, वो सर्च क्वेरी के हिसाब से, तभी जो सामने वाले का जो इंटेंशन है वो आप मीट कर पाएंगे अपने लैंडिंग पेजेस पे। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ कि आपके कीवर्ड्स, आपके एड्स और आपके लैंडिंग पेज में रिलेवेंसी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा सिमिलर होगा, अब सिमिलर तभी हो पाएगा जब वो दूसरे ऐड ग्रुप से अलग होगा, क्योंकि आपने दूसरे ऐड ग्रुप्स में अलग अलग कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अलग अलग कीवर्ड्स और अलग अलग एड्स के लिए आप एक ही लैंडिंग पेज यूज़ नहीं कर सकते, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। मजबूरी में लोग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही कीवर्ड या एक ही ग्रुप ऑफ कीवर्ड के लिए आपका लैंडिंग पेज जो है अप्रोप्रिएट होता है, दूसरे ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स के लिए जो आपका लैंडिंग पेज होता है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, यानी कि उसमें रिलेवेंसी कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जब रिलेवेंसी कम हो जाती है तो गूगल भी आपको पेनल्टी देता है, वो भी ये चेक करता है कि आपके लैंडिंग पेज पे वो कीवर्ड्स है कि नहीं जो आपने ऐड में शो किए, ठीक है, और जो आपने कीवर्ड्स में यूज़ किए थे। अगर इनमें डिफरेंसेस होते हैं तो आपको अपना ऐड जो है कॉस्टली भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप एक कैंपेन का एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बना के रखें। तो चलिए दोस्तों हम गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं गूगल एड्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सबसे पहले ही गूगल एड्स का ऐड दिख जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी भी एक ऑफर चल रहा है 2000 रुपये के क्रेडिट का। तो आप इस 2000 रुपये के क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और आप इसे सबमिट कर सकते हैं टू गेट द ऑफर कोड। फिलहाल मैं यहाँ गेट स्टार्टेड की बटन दबा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मेरे ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स क्रिएटेड हैं इसलिए वो यहाँ पे नाम दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट करना है और अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो ये ऑलरेडी ही न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट होगा आपके लिए। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप फटाफट ऐड बना के क्रिएट कर दें, लेकिन इस तरीके से ऐड बनाना सही नहीं रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ दिखेगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ये नेक्स्ट की बटन जो है इसके भी नीचे लिखा रहता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। हम इस एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स चूज कर सकते हैं, बट मैं अभी भी कहूँगा कि अभी हम प्रॉपर पैनल पे नहीं आए हैं तो हमको प्रॉपर पैनल पे पहुँचने के लिए इसको भी स्किप करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक और छोटा सा ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो हम सबसे पहले अकाउंट ही क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपने उस बटन पे क्लिक किया क्रिएट एन अकाउंट विदाउट एन कैंपेन, तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आप बस इसको एक बार चेक कर लीजिए कि जिस कंट्री में ऐड आपको चलाना है या जिस कंट्री में आप पेमेंट करते हैं वही कंट्री का नाम, टाइमिंग वगैरह लिखा है, सब ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ फाइन। और हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हैं आपके पास आ जाएगा कि भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, अब आप यहाँ पे एक्सप्लोर योर अकाउंट के बटन दबा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में भी नीचे एक बटन आ रही है न्यू कैंपेन की, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप इस न्यू कैंपेन की बटन को ना दबाएं, नहीं तो गूगल एड्स आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशन देगा जो कई बार हमारे फायदे में नहीं होते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पे कैंपेन्स की बटन दबाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड नंबर की बटन है कैंपेन्स की, मैं इसको क्रिएट करूंगा। जब दोस्तों आप इसको बटन दबाते हैं तब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं नई कैंपेन क्रिएट करने के लिए। एक तो ये आ रहा है न्यू कैंपेन की बटन और एक यहाँ पे प्लस आ रहा है, हम प्लस की बटन को दबाएंगे। दोस्तों जब आप प्लस की बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे न्यू कैंपेन की बटन आती है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब वापस हम आ गए हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और गूगल एड्स हमें कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं करेगा फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कई ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं जैसे कि सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल एंड
या तो फिर आप कम्प्लीटली अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल की तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ करूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो हम ये वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। एक बार दोस्तों वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ करने के बाद आपके पास चार पाँच ऑप्शन आते हैं, अलग अलग टाइप के आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड एंड डिस्कवरी एड। तो दोस्तों फिलहाल हम सर्च ऐड की बात कर रहे हैं। अब सर्च ऐड होता क्या है ये मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू टैब खोला और मैंने यहाँ पे गूगल पे गया मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, मैं इस स्पेलिंग को करेक्ट कर देता हूँ और मैंने ये एंटर किया। एंटर करके दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भी कुछ आया है उसके स्टार्टिंग में लिखा है डार्क कलर से ए और डी, बुलेट में लिखा हुआ ए डी, यानी कि ये ऐड है और ये सर्च ऐड है, क्योंकि जो चीज़ मैंने सर्च करी है गूगल पे और स्टार्टिंग में जो कुछ दिखता है वो आपके सर्च ऐड होते हैं, जैसे कि एक, दो, तीन और चार। दोस्तों मैक्सिमम एक बार में चार ही सर्च ऐड दिखते हैं ऊपर, और फिर अगर आप पूरा पेज स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो नीचे भी आपको मैक्सिमम चार सर्च ऐड दिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आ गए हैं ऐड 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 ऐड, तो इस तरीके से चार सर्च ऐड ऊपर और चार सर्च ऐड नीचे मैक्सिमम दिख सकते हैं, इससे कम भी दिखते हैं लेकिन मैक्सिमम चार चार दिखते हैं। तो ये होता है आपका सर्च ऐड। तो अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए सर्च ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कैंपेन टाइप में सर्च को चूज़ कर सकते हैं। सर्च को चूज़ करके आपसे यहाँ पे आपकी वेबसाइट पूछेगा, आप इसमें कोई सी भी ऐसी वेबसाइट डाल दीजिए जो एग्जिस्ट करती, ज़रूरी नहीं है फिलहाल ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं बना रहा हूँ तो आपकी खुद की वेबसाइट हो, बस वेबसाइट एग्जिस्ट करती हो, वो वेबसाइट आपको यहाँ पे URL डालना है। तो दोस्तों जैसे कि जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो Udemy की वेबसाइट पे है, तो मैं फिलहाल Udemy वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन, जिसकी अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप यहाँ कैंपेन का नाम दे सकते हैं, तो कैंपेन के नाम के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ताकि मुझे आइडिया रहे कि किस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो कैंपेन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ सेकंड आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में आपको दो ऑप्शन टिक दिख रहे हैं यहाँ पे, दो टिक, ये दोनों टिक ही आपको हटा देने चाहिए, क्योंकि ये दो टिक बताते हैं कि आपका जो ऐड है सर्च ऐड वो डिस्प्ले नेटवर्क पर भी चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे बैनर्स वगैरह दिखते हैं वहाँ पे भी आपका ऐड चलाया जा सकता है, या तो फिर आपके गूगल के सर्च पार्टनर में भी आपका ऐड चलाया जा सकता है, बट मेरा रिकमेंडेशन दोनों में आपको लॉस हो सकता है, तो आप दोनों टिक को हटा दीजिए ताकि आपका ऐड जो है सिर्फ गूगल सर्च पे ही चलेगा, यानी कि कोई अगर google.com पे आके कुछ सर्च करता है तो ही आपका ऐड उसको दिखेगा। दोस्तों इस दौरान अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड तेज या कम लग रही हो तो आप अपने YouTube चैनल में नीचे स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद स्क्रॉल करके दोस्तों हम यहाँ नीचे आते हैं, लोकेशन आप लोकेशन में चूज़ कर सकते हैं, इंडिया या किसी पर्टिकुलर सिटी को भी अगर आप चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कहाँ है, आपकी सर्विसेज कौन सी जगह पे आप देते हैं। अगर आप कोई फिजिकल सर्विसेज देते हैं लोकल एरिया में देते हैं तो आप अपना लोकल एरिया चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन सेल्स होती है आपके यहाँ से, तो आप ऑल ओवर इंडिया भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी आप सेल्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं वो लोकेशन में अगर आपको ऐड दिखाना है तो वो लोकेशन की जगह को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है यहाँ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में फिलहाल आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बजट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 रुपये, या मैं आपको कहूँगा कि रिकमेंडेड है कि भाई 300 रुपये से आप एटलीस्ट अपना ऐड चलाएँ, बिकॉज 300 रुपये से कम में आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिल पाएंगे और उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, और 300 से ज़्यादा अगर आपके पास बजट है तो आप चला सकते हैं, बट अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं तो आप 300-400 के अराउंड ही रखिए ताकि आप ज़्यादा सीख पाएँ और अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और बात ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप पहली बार ऐड चलाते हैं आपका पहला ऐड कभी भी एक परफेक्ट ऐड नहीं होता, ये इसलिए नहीं कि आप नए हैं बल्कि कोई भी हो, क्योंकि गूगल एड्स जो है उसमें आपको एड्स को हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार आपको करते रहना पड़ता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब धीरे 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 जाके आपका जो ऐड है काफ़ी एक इफेक्टिव ऐड बन पाता है। तो मैं यहाँ पे 300 रुपये का बजट डाल देता हूँ फिलहाल, और फिर उसके बाद मैं यहाँ नीचे आता हूँ। दोस्तों यहाँ बिडिंग में आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक्स, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सेट मैक्सिमम कॉस्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके नीचे भी एक ब्लू कलर की लाइन लिखी हुई है सिलेक्ट बिड स्ट्रेटजी, आप इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमाइज क्लिक्स लिखा हुआ है, हमको मैक्सिमाइज क्लिक्स पे अपना ऐड नहीं चलाना है, हम इसको मैनुअल CPC पे चलाएंगे। मैनुअल CPC यानी होता है मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि हर क्लिक का आप एक्चुअली कितने रुपए देना चाहते हैं। इसमें और भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे ऑटोमेटेड बिडिंग होती है और वो गूगल एड्स जो है उसके हिसाब से चलाता है, लेकिन अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक बिडिंग आपके लिए काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई पुराना डेटा नहीं है, और पुराना डेटा अगर नहीं होता है तो कोई भी ऑटोमेटेड बिडिंग अच्छे से काम नहीं करती, उसको थोड़ा डेटा चाहिए होता है।
तो अगर हम पहली बार ऐड बना रहे हैं या अगर हम नए नए हैं तो हमारे लिए मैनुअल सीपीसी ही सही होता है। इसके बाद दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशंस हैं, जो भी ऐड एक्सटेंशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐड एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐड एक्सटेंशंस यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो करें, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। फिर मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करके आपको मैं एक बार ऊपर वाली लाइन पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पे दो टिक लग गए, हमने कैंपेन क्रिएट कर ली अभी तक। अब हम ऐड ग्रुप्स पे आ गए हैं, हमको ऐड ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐड ग्रुप्स में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कौन से कीवर्ड वगैरह पे आपका ऐड दिखाया जाएगा, और उसके बाद हम ऐड्स क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हम ऐड ग्रुप्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐड ग्रुप्स का नाम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐड ग्रुप में भी हम सेम नाम दे सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हिंदी वाले कोर्स के लिए मैं ये ऐड ग्रुप चला रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बिड को आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों डिफ़ॉल्ट बिड यानी कि किसी भी कीवर्ड पे आप मैक्सिमम कितने रुपए देना चाहते हैं। अगर वो ऑल टुगेदर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँगा कि मैं किसी भी क्लिक पे 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहता, यानी कि अगर कोई भी क्लिक होता है तो मैक्सिमम 50 रुपये ही मुझे चार्ज किया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर चार्ज करते हैं तो आप मेरा ऐड भले ही ना दिखाएं, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे चार्ज ना करें, ठीक है दोस्तों। फिर उसके नीचे आता है www.udemy.com, जो आपकी वेबसाइट है वो ऑलरेडी आ गई है। और उसी तरीके से दोस्तों गूगल काफ़ी स्मार्ट हो गया, आपकी वेबसाइट से ही वो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है वो चूज़ कर लेता है। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि ये कीवर्ड सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं है तो बिल्कुल आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि यही वो कीवर्ड्स हैं जिनको सामने वाला अगर गूगल पे लिखेगा तो आपका ऐड दिखाने की संभावना आती है। तो अगर आप गलत वर्ड्स पे अगर अपना ऐड दिखाएंगे तो वो ऐड आपका सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और इस तरीके से वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो मैं फिलहाल ये सारे कीवर्ड्स हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी कीवर्ड्स जो हैं काम के नहीं हैं, तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ही मेरा ऐड दिखाया जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी में सीखना चाहता है तो भी उसको मेरा ऐड दिखाया जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने दो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अगर कोई गूगल पे लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या अगर कोई गूगल पे लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो उसको मेरा ऐड दिखाया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहां साइड में देख सकते हैं डेली एस्टीमेट्स में ये बता रहा है कि आपको एक दिन में एक ही क्लिक मिल पाएगा। कॉस्ट पर डे आपका जो है 300 रुपये पड़ सकता है, क्योंकि एवरेज सीपीसी 260 है। यानी कि दोस्तों ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उनका मार्केट में भाव लगभग 250 रुपये चल रहा है, और लगभग 250 रुपये वाले कीवर्ड्स पे अगर आपका 300 रुपये का ही बजट है तो आपको शायद एक ही क्लिक मिल पाएगा। यानी कि मेरा ये जो बजट है ये बहुत ज़्यादा कम है। और दोस्तों ये नीचे सजेशन भी दे रहा है कि अगर आपको 10 क्लिक या उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको लगभग 3000 रुपये का बजट रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। इससे मुझे ये आइडिया लग रहा है कि मेरा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ये बहुत ही कॉस्टली कीवर्ड्स है और इस पर मुझे ऐड चलाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के हिसाब से आपके कीवर्ड का रेट यहाँ पे कुछ अलग आएगा। और ये जो एस्टीमेट है ये सिर्फ केवल एस्टीमेट है, ये 100% ट्रू नहीं है, तो आपको चला के देखना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब दोस्तों हम आ गए हैं अपने ऐड क्रिएट करने के वाली स्टेज पे, जहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे। ऐड क्रिएट करना मतलब वो क्या सेंटेंसेस होंगे, वो क्या वर्ड्स होंगे जो सामने वाले को दिखाया जाएगा जब वो आपका कीवर्ड लिख के सर्च करेगा। यानी कि आपका ऐड सामने वाले को कैसा दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे उसमें, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यानी कि एक ऐड ग्रुप के लिए आपको एटलीस्ट 3 एड्स बनाने चाहिए। एक ऐड ग्रुप के लिए आपको 3 एड्स बनाने चाहिए, तभी गूगल आपके लिए अच्छे से परफॉर्म करता है। और सामने वाला भी देखिए एक ही सोच का नहीं हो सकता है, कोई किसी अलग चीज़ से कन्वेंस हो रहा है, कोई अलग चीज़ से कन्वेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं इसका ऐड ऐसा भी बना सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। किसी के लिए बेस्ट वर्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। फिर मैं दूसरा ऐड कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, किसी के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। या मैं एक ऐड बना सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, किसी के लिए वो लैंग्वेज वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप 3 डिफरेंट ऐड बनाते हैं तो आपको 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग ऐड क्रिएट करके लोगों को दिखाने की, और इससे आप ज़्यादा लोगों तक और अच्छे लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड है, उसके नीचे 2 पेंडिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। दोस्तों रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट ऐड में आपको
आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सैंपल जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। फिलहाल गूगल इतना स्मार्ट है कि जो मैंने वेबसाइट डाली थी उस वेबसाइट के हिसाब से उसने वहाँ से खुद ही कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस को उठा के एक सैंपल ऐड यहाँ पे मेरे को बना के दिखा दिया है। लेकिन मेरे को ये ऐड नहीं बनाना है, मेरे को मेरे कोर्स के हिसाब से पर्टिकुलर ऐड बनाना है। अब दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पे फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल यानी कि आप अपने कस्टमर को जो भी आपके ऐड पे क्लिक करेगा उसको कौन से पेज पे भेजना चाहते हैं उसका यूआरएल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों हेडलाइन, हेडलाइन वन, हेडलाइन टू और हेडलाइन थ्री। तो दोस्तों यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हेडलाइन वन मतलब जो ये जो बीच में ये जो लाइन आ रही है, इतनी सी जो लाइन आ रही है, इसके पहले जितना भी सेक्शन है वो हेडलाइन वन होता है, फिर दूसरी वाली लाइन के पहले जितना भी सेक्शन होता है वो हेडलाइन टू होता है, और तीसरी वाली लाइन एक्चुअली है नहीं, लेकिन आखिरी सेंटेंस जो होता है वो हेडलाइन थ्री होता है। दोस्तों जनरली जो है हेडलाइन थ्री अपीयर नहीं होती है, हेडलाइन वन और हेडलाइन टू ही आती है। दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी आप हेडलाइन वन यूज़ कर रहे हैं तो आप उन वर्ड्स का यूज़ करें अपनी हेडलाइन में जो आपको लगता है कि सामने वाला लिख के सर्च करेगा, या स्पेशली जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जिस पे आपका ऐड दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि 30 कैरेक्टर्स में से 24 कैरेक्टर्स हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से मेरा जो ऐड होगा उसमें आपको दिखेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हेडलाइन वन। अब दोस्तों दूसरी हेडलाइन में आप उसके कुछ बेनिफिट्स या फीचर्स सामने वाले को बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने हेडलाइन टू लिखी है कि स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर, यानी कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हैं। तो ये जो हो गया उसका बेनिफिट हो गया जो आपके ऐड को और आपकी सर्विसेज को देख के किसी की लाइफ में हो सकता है। हेडलाइन थ्री हालांकि ज़्यादातर अपीयर नहीं होती, पर मैं फिर भी कहूँगा कि आप यहाँ पे लिखें, और इसमें आप या तो अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं या कोई स्पेशल फीचर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हेडलाइन थ्री में मैंने लिखा है लाइफ टाइम एक्सेस, जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हेडलाइन वन, फिर एक डैश आ गया, फिर स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर, ठीक है। हेडलाइन थ्री नहीं दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कभी दिखती है कभी नहीं भी दिखती है। इसके बाद दोस्तों नीचे दो चीज़ें आती हैं, डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू, जिसमें आपको 90 कैरेक्टर्स मिलते हैं लिखने के लिए। 90 कैरेक्टर्स में आपको अपनी सर्विसेज के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू जो है कभी कभी दोनों साथ में भी किसी ऐड के साथ दिखते हैं, और कभी कभी कोई दोनों में से एक ही दिखता है। तो आप इस हिसाब से डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू बनाएं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग भी हों और अपने आप में अगर सिंगल भी दिखे तो भी सामने वाले को ऐड पे क्लिक करने पर मजबूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इसने मेरी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन वन ले लिया, ऑनलाइन कोर्स लर्न एनीथिंग ऑन योर शेड्यूल यूडीमी और टॉप इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टीच मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन यूडीमी। तो ये काफ़ी अच्छा है डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसमें फिलहाल कोई करेक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट से जो ये कंटेंट लेता है वो अगर आपको लगता है कि करेक्ट करना है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा एक ऐड क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है रिजल्ट लाने के केस में। सिंपल सर्च ऐड से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है, और इसमें अच्छा रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक या दो या तीन हेडलाइन नहीं होती, इसमें कई सारी हेडलाइन होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेवन हेडलाइंस आपको मिली है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे एक ऐड हेडलाइन की बटन आती है जिसमें आप ऐड करके और भी ज़्यादा हेडलाइंस डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिमिटेड नहीं होते, एक या दो डिस्क्रिप्शन नहीं होते, आप भी ऐड डिस्क्रिप्शन करके इसमें और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके के वर्ड्स या सेंटेंसेस का यूज़ करके अपनी हेडलाइंस को बनाने का, और अलग अलग तरीके के वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज़ करके डिस्क्रिप्शन बनाने का, ताकि गूगल फिर धीरे धीरे टेस्टिंग करके पहचान जाता है कि कौन से एरिया में किस टाइप के एज ग्रुप वाले लोगों को कौन सा वाला ऐड दिखाने पर वो लोग क्लिक कर रहे हैं। और इस तरीके से वो इन सभी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन करके लोगों को ऐड दिखाता है, और ऐसे ऐड जो हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस रिस्पॉन्सिव ऐड को बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है, तो आप थोड़ा आराम से समय लेके इसको बना सकते हैं क्योंकि इसमें हेडलाइंस के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ 5 हेडलाइंस डाली हैं और 2 डिस्क्रिप्शन डाले हैं रिस्पॉन्सिव ऐड में। तो आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू मार्क है ये बता रहा है एवरेज,
और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले है ऐड मोर हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक योर हेडलाइन मोर यूनिक, मेक योर डिस्क्रिप्शन मोर यूनिक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप इसको कोशिश कीजिएगा कि ये आपका ब्लू ऊपर आए। ये ऊपर पूरा कैसे आएगा, ये पूरा सर्कल तब कंप्लीट होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडलाइंस का यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये सारे जो हरे बबल्स हैं, ये सारे हरे बबल्स भी पूरे हो जाते हैं जब आप सभी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को फुल कर देते हैं। और इसमें रिकमेंडेशन ये भी रहता है कि अगर जैसे 30 करेक्टर्स आपको हेडलाइन में मिलते हैं तो आप हो सके तो 29-30 करेक्टर्स का पूरा यूज़ करें, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में अगर आपको 90 करेक्टर्स मिलते हैं तो आप छोटा ना लिखें, आप हो सके तो 85 से लेकर 90 कैरेक्टर तक की ही पूरी लाइन का डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे लिखें, जिससे क्या होता है कि आप ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं गूगल सर्च के रिजल्ट में और आपके ऐड पे क्लिक होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका एक ऐड क्रिएट हो गया और आपका एक रिस्पॉन्सिव ऐड क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन दबाता हूँ। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के बटन दबाने के बाद आप यहाँ नीचे पब्लिश के बटन दबा सकते हैं और ये पब्लिश के साथ ही जो है आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपने इसमें अपना बैलेंस ऐड किया हो या तो फिर अपना क्रेडिट कार्ड कनेक्ट कर दिया हो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ओवरव्यू वाला पैनल आ जाता है। आप इसे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं कहूँगा आपको डोंट वरी, आप यहाँ पे ऑल कैंपेन्स की बटन आ रही है, ऑल कैंपेन्स की बटन पर क्लिक करें। ऑल कैंपेन्स की बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप बहुत सिंपल तरीके से देख पाएंगे कि ये आपका सर्च ऐड चल रहा है। ये जो सिंबल है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, ये बताता है कि ये सर्च ऐड है। फिर आपका सेकंड कॉलम में आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपका बजट कितना है और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि कितने लोगों ने क्लिक किया, इंप्रेशन यानी कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया गया, एवरेज सीपीसी यानी कि आपको हर क्लिक पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है, और कॉस्ट यानी कि अल्टीमेटली आपका एक दिन में कितना कॉस्ट खर्च हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गूगल एड्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे गूगल एड्स के कोर्स को कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जाके मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 3 गूगल एड्स सीक्रेट टिप्स डेट विल मेक यू मोर मनी, यानी कि ये सीक्रेट टिप्स को यूज़ करके आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं जो कि वेस्ट हो सकते थे गूगल एड्स में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी 3 टिप्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहली टिप है मेक योर लैंडिंग पेज रिलेवेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, आपका पेज, आपका ऐड और आपके कीवर्ड्स में रिलेवेंसी होनी चाहिए। जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का आपने अपने ऐड में यूज किया है, जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का आपने अपने कीवर्ड्स में यूज किया है, उन्हीं वर्ड्स और उन्हीं शब्दों का आपको अपने लैंडिंग पेज पे भी यूज़ करना चाहिए, जिससे रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है, गूगल भी आपको सपोर्ट करता है और जिस इंटेंशन से सामने वाला आपके ऐड को क्लिक कर रहा है उसको वही इंटेंशन, वही सोल्यूशन आपके लैंडिंग पेज पे भी मिल पाता है। दोस्तों सेकंड टिप है आपके लिए ऑप्टिमाइज नेगेटिव कीवर्ड्स, यानी कि दोस्तों ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है तो उसको मेरा ऐड ना दिखाया जाए। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया कि मैं अगर ऐड चला रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, क्योंकि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड में डालूंगा फ्री, क्योंकि मैं उन किसी भी लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता जो सर्च कर रहे हैं फ्री वर्ड से, क्योंकि उनका इंटेंशन ही ऐसा नहीं है कि वो पे करना चाहें, क्योंकि वो तो फ्री के लिए ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं फ्री इंटेंशन वाले आदमी को अगर अपना पेड वाला कोर्स दिखाऊंगा तो वो मेरी कॉस्ट कितनी भी हो, डजेंट मैटर, वो तो पहले ही चिढ़ जाएगा और वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो इससे मेरे को ये प्रॉब्लम होगी कि पहली बात तो उसने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के कारण मेरे पैसे भी कट गए, फिर वो लैंडिंग पेज पे आके उसने देखा कि यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं, मैं तो फ्री का ढूंढ रहा हूँ, तो वो वहाँ से लैंडिंग पेज से भी वापस चला गया और वो लैंडिंग पेज से तुरंत वापस चला जाएगा। तो गूगल इस तरीके से कंसिडर करता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ऐड दिखा के सामने वाले को अपने पेज पे तो बुलाया पर आपने उसको ऐसी सर्विस नहीं दी जो वो ढूंढ रहा था, इसलिए आपके ऐड की रैंकिंग जो है कम हो जाती है। और अगर आपके ऐड की रैंकिंग कम हो जाती है तो आपके ऐड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने डैशबोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आपकी कैंपेन चल रही है, आप अपनी कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका एड ग्रुप चल रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी वाला जो मेरा एड ग्रुप है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड पर आपका ऐड दिखाया जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव कीवर्ड्स वाला बटन दिख रहा है, हम ये नेगेटिव कीवर्ड्स की बटन को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स की बटन दिख रही है, मैं इसको प्लस के दबाऊंगा ताकि मैं अपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आप तो या तो आप अपनी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट क्रिएट करें या तो आप ऑलरेडी बनी बनाई लिस्ट का यूज़ करें। तो अभी हमारी कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर ये नीचे आपसे पूछता है कि इन नेगेटिव कीवर्ड्स को आप कौन से एड ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं या किसी कैंपेन में जोड़ना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल इसको
कैंपेन में ही जोड़ना चाहता हूँ तो मैं अपनी कैंपेन को चूज़ कर लेता हूँ। मेरी कैंपेन का नाम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो ऑलरेडी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नेगेटिव कीवर्ड डालना है, यानी कि वो वर्ड जिस वर्ड पे लिखे जाने पर आपका ऐड किसी को ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि सामने वाले का इंटेंशन जो है वो आपकी सर्विस के जैसे जो आप सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेट नहीं करता है, तो आपको उसको ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्री। अगर मैं यहाँ पे फ्री लिखता हूँ तो यानी कि जो भी कोई अगर फ्री वर्ड का यूज़ करेगा और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखेगा उसको मेरा ऐड नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बंगाली, यानी कि अगर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बंगाली तो भी उसको मेरा ऐड नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मेरा ऐड जो है वो हिंदी में है। इसी ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे बंगाली लोग तो मेरा हिंदी वाला कोर्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई और लैंग्वेज है या कोई और ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है, जैसे कि यहाँ पे किसी ने लिख दिया व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कोई ऐसा सर्च कर रहा है व्हाट या व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जिसको अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता क्या है उसको यही नहीं पता, तो उसका इंटेंशन इतना क्लियर नहीं है, तो उसके मेरे कोर्स को परचेस करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी सर्च क्वेरी में अगर व्हाट है या बंगाली है या फ्री है तो उसको मेरा ऐड ना दिखाया जाए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ कर लिया। अब मैं इनको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेव हो गए हैं, और इस तरीके से कभी भी अगर इन शब्दों का यूज़ किया जाएगा किसी भी सर्च क्वेरी में तो उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा। अब दोस्तों तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है यूज़ द राइट कीवर्ड मैच टाइप। अब ये मैच टाइप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों बेसिकली मैच टाइप का मतलब होता है कि कुछ भी आपने अगर कीवर्ड डाला है तो उससे कितना ज़्यादा ब्रॉड सेंस में गूगल आपका ऐड दिखा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तो उसको ऐड दिखाना है कि नहीं, या अगर कोई और भी कुछ सर्च करता है तो उसको आपका ऐड दिखाना है कि नहीं, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें चार टाइप के मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच का मतलब दोस्तों वो होता है कि जो आपने कीवर्ड चूज़ किया है अगर सामने वाले ने एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखा तो ही आपका ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है, और ब्रॉड मैच का मतलब दोस्तों वो होता है कि जो भी आपने कीवर्ड चूज़ किया उससे सिमिलर या उन कीवर्डों में से कोई एक भी कीवर्ड अगर सामने वाले ने लिखा है सिमिलर है तो भी आपका ऐड उसको दिखाया जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि अगर आप ब्रॉड मैच यूज़ करते हैं तो आपका कंट्रोल कम होता है लेकिन ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखता है, वहीं अगर आप एग्जैक्ट मैच चूज़ करते हैं तो आपका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पर बहुत कम लोगों को आपका ऐड दिखता है। अब आप सोचेंगे कि सर कम लोगों को हमारा ऐड क्यों दिखाएं, तो इसमें इंपॉर्टेंस होता है आपके इंटेंशन का। सामने वाले का इंटेंशन अगर सही है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो सर्च कर रहा है, सिर्फ इतना ही सर्च कर रहा है, तो उसका ऑब्वियसली इंटेंशन कोर्स ढूंढने का है, तो उसको मैं ऐड दिखाऊंगा। तो हालांकि मेरी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गूगल भी समझता है ज़्यादा इंटेंशन पे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसे भी लेता है, पर उसमें मुझे भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ब्रॉड मैच चूज़ किया और सामने वाले ने सर्च किया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऐड उसको दिखा दिया जाएगा, लेकिन वो शायद उसका इंटेंशन अभी उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि वो अभी भी ये समझ रहा है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और अलग अलग उसके कोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसर्च वगैरह कर रहा है। तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर मैं 50 60 70 रुपए का क्लिक नहीं खर्च करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जानना है कि एग्जैक्टली लोग कितना सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ब्रॉड मैच के हिसाब से चल सकता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा पता चल पाए कि लोग क्या सर्च करते हैं और क्या क्लिक करते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप ब्रॉड मैच या ब्रॉड मैच मॉडिफायर से शुरू कर सकते हैं, और जब आपको लगता है कि कौन से कीवर्ड सर्च क्वेरी वाले लोग क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज तक आते हैं तो फिर आप एग्जैक्ट मैच का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी कीवर्ड को ब्रॉड मैच कैसे करना है और एग्जैक्ट मैच कैसे करना है, फ्रेज मैच कैसे करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ कीवर्ड्स में हैं, मैं इसकी एडिट की बटन दबाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ एडिट की बटन दबा के आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है ब्रॉड मैच। आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर फ्रेज मैच की बटन भी दबा सकते हैं, तो बस क्या हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के दोनों तरफ आपका इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है। अब ये फ्रेज मैच हो गया, यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर ये तीन वर्ड इसी तरीके से लिखे हैं, यानी कि सबसे पहले डिजिटल, फिर मार्केटिंग, फिर कोर्स, अगर ये तीन वर्ड इसी तरीके से लिखे हैं तो ही आपका ऐड यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन होता है एग्जैक्ट मैच, यानी कि सिर्फ यही तीन वर्ड लिखे हैं तो आपका ऐड यहाँ पे दिखाया जाएगा। और एक और चीज़ होती है दोस्तों ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, पर उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ केवल प्लस लगाना होता है। हर वर्ड के पहले अगर आप प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस हो उनमें, लेकिन ये तीन वर्ड्स तो आने ही चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तीन वर्ड अगर आते हैं तो ही आपका ऐड उसको दिखाया जाएगा।
और ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि ये तीन वर्ड में से कोई अगर एक दो वर्ड भी आ जाते हैं तो भी आपका ऐड उसको दिखाया जाएगा, या इन दोनों के सिमिलर भी अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो भी आपका ऐड उसको दिखा दिया जाएगा। तो वही मतलब ब्रॉड मैच में बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाने की संभावना होती है और एग्जैक्ट मैच में बहुत कम लोगों को ऐड दिखाने की संभावना होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक ऐड से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट पे काफ़ी अच्छे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।